Basta. अभी साथी इंशाल्लाह तैयार हैं, यासिर भाई है, बिलाल भाई। हाँ भाई, तैयारी तो शुरू है, निकल रहे हैं क्या यार? बस निकल रहे हैं इंशाल्लाह। कितने 20 साल बाद हम लोग जा रहे हैं साथ? तकरीबन 15 साल नहीं जी, 15 हाँ 20 साल बाद जा रहे हैं। 20 साल बाद इंशाल्लाह आज फिर इंशाल्लाह। जब मोबाइल नहीं आया था याद है? उस वक्त मोबाइल का दौर ही नहीं था, तो इंशाल्लाह हमारी रवानगी है इस वक्त। चौकी पे चलाऊंगा, डालमिया से याद है कि हमारी एसी की तेजी हो गई, मगर एसी नहीं चला अभी तक। ये हमारे भाई ड्राइवर कह रहा है सत्र चौकी, हम लोग आ गए इस वक्त। ये हमारे छोटा खान, बड़ा खान, अरे इसको मैंने बोला हाँ चलो, ये मैंने कहा ना बोतल के साथ रख लेना अच्छा था। ये हब चौकी भी है, अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हम यहाँ से रवाना होंगे अपने पहले मंजिल की तरफ। इंशाल्लाह ताला सुबह 4 बजे हम पहुँचेंगे। जगह कौन सी है? पहली मकाम पे इसका नाम है जी डुबुक चश्मा, कंडरा कंजराज एक गांव है उसके अंदर, ये कलात से थोड़ा सा दूर है, कलात के करीब करीब है। हमारे पायलट भी आ गए, ये हमारे ड्राइवर साहब भी आ गए, ये कराची से हमें टोपी करा के लेकर आ रहे हैं कि एसी ऑन करेंगे, एसी ऑन करेंगे। अच्छा भाई एसी ऑन करना है भाई, एसी ऑन नहीं किया, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह अभी हम निकल रहे हैं, तो फिर बाकी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। चले आए उधर
सूरज निकाल दो, बाकी हम करते रहेंगे। अभी आप लोगों को ऐसा लगेगा ना, पीछे इतना सुबह उठते ही ना पहाड़ एक और नजारा आ जाएगा। अरे भाई सरप्राइज सुबह, मैंने आपको नहीं बताया। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, हमारी लोकेशन लोकेशन का कोई किसी को पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सर, पहुंचे हमें खुद भी नहीं पता लगेगा नाम क्या जगह। सुबह ही पता चलेगा, सरप्राइज सुबह पता चलेगा इंशाल्लाह। सुबह ये वाला सारा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारे पूरे क्रू मेंबर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ये जगह कौन सी है? मिठड़ी। मिठड़ी मिठड़ी मिठड़ी। आप लोग दम्पुख बना रहे हो? ये भाई साहब जो है ये लोग दम्पुख बना रहे हैं। इधर पूरी तैयारी हो रही है जी, इंशाल्लाह जब बन जाएगा। अभी इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बेहतरीन। जनाब भाई सिर्फ आग जली है या कुछ ये मैरिनेट करके रखा है उन्होंने 4-5 घंटे? ये भाई साहब जो है ना, इन्होंने हमारी 3 दफ़ा हवा निकाली रास्ते में। 8 किलोमीटर दूर थे इस पॉइंट से, गाड़ी बंद कर दी गुप अंधेरे में इन्होंने। सलाद बन रहा है जी, उधर बारबेक्यू बन रहा है और बारबेक्यू के साथ खाने के लिए हम यहाँ पे फ्रेश सैलेड बना रहे हैं। आप ये जिंदगी का ये पहला एडवेंचर है? पहला है। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, थोड़ा डर लगा था रास्ते में, सुनसान रास्ता आया था, फिर गाड़ी बंद हो गई थी। 30 किलोमीटर बाद जाके बंदा नजर आता है हमें। इससे आगे और भी सफर है हमारी, अभी तो अभी हम मिडवे में, अभी तो बिल्कुल सेंटर पे हैं। आगे भी ऐसा रास्ता आगे डेंजरस। बकरी के दूध की दूध पत्ती, थोड़ी देर पहले आप यही डिमांड कर रहे थे। मैं भी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि बकरी के दूध की चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। तो मैंने बोला बलूचिस्तान में ज्यादातर बकरी का दूध मिलता है। अच्छा, और ये आगे कहाँ जाता है ये रास्ता? कंजराज को जाता है। अच्छा जी, तो बाजार कहाँ है? विंदर बाजार। विंदर बाजार, जो अगर आपको माचिस भी चाहिए तो विंदर जाना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूँ। बारिश हो रही है, बड़ा बेहतरीन मौसम है आज। अभी हम निकलने वाले हैं तकरीबन फिर अपनी पिकनिक पॉइंट की तरफ, जहाँ से हमें आना है, जाना है। क्या
अच्छा व्यूअर्स, ये रात हम यहाँ पे रुके हैं, ये बुनियादी मरकज़ सेहत है जिसको BHU कहते हैं, गोट मिठड़ी। ये बलूचिस्तान का एक इलाका है जो लसबेला में आता है। यासिर भाई पीछे दिखाए ना ज़रा ये मंजर सारा, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं। रात को हम लोग यहाँ ठहरे, हमने यहाँ पे बारबेक्यू किया और ये हमारे लेफ्ट हैंड पे सारे पहाड़ हैं, राइट हैंड पे जो है ये मैदानी इलाका है और यहाँ पे लोगों के मकानात हैं, छोटा सा कस्बा है। ये मैं हूँ और ये आसिल भाई है, साल पुराने पटके। ये भी हम यहाँ से पानी निकालेंगे और इतना ज़बरदस्त ठंडा पानी है ये और उतना ही साफ। यहाँ से निकल रहे हैं जहाँ पिकनिक पॉइंट है, उसी तरफ अभी हमारा जहाँ जाने का प्रोग्राम है। जो लोकेशन हमने डिसाइड किया था पिकनिक पॉइंट के लिए, अब वो वहाँ जा रहे हैं। हम जगह तो हमने देखी नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखते ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आप लोगों को जगह दिखाएंगे, सरप्राइज है ये।
अभी तो क्या कर रहा हूँ मैं, गाड़ी को रास्ता तो दो। आग पर मारे सलीम, सलीम उस तरफ नहीं जाना, लेडीज से पत्थर सामान लगेंगे। भाई जंगल का जबरदस्त है यार ये एक एक्सपीरियंस रहा ना, मजेदार जायद वंडरफुल। कम मुझे सलीम भाई। हाँ भाई असल ये पैसे पूरे हो गए असल। हाँ अभी मेरे घर में 100-200 रहते हैं। अच्छा यार इधर आ गया हूँ ना पानी की तरफ, इतना उठने भी नहीं चल आउट है यार। सीमा मछली आती थी अगर हम ना बोलते ग्रुप फूट में। इधर मछली पल कहीं पे मछली पकड़ो चले 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 निकलते चलो। फ्रंट कैमरा गया कब सही है भाई। वो मारा कुछ तो मां सुमार ना को शोभा मारा कुछ एक नाश्ता कर गया तैयारी कर गया। अरे वो बच्चे कंगा शूट करने गए हो यो भाई वो तो पुज गए गुना हजरी पिसरे दाड़ जमा पिकने तके मां नारिश तो तैयारी भी नहीं शो जाम पसुदी वो पर अंदर कोड़ा मर रही जान शुदी तके नारिश तैयार बन गए। चाय अलग तैयार करे मंजल दू है ना एक भी लड़ देगी।
ये बिलाल लोग जा रहे हैं लोकेशन देखने, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, गाड़ी हमारी ये खड़ी है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ से रास्ता नहीं है, फिर दोस्त यहाँ से पैदल आ रहे हैं। और हमारा ये गनमैन सलीम भाई शिकार के लिए आए, खुद शिकार हो गए, खुद शिकार हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम ये जस्ट पहुंच गए, ये अपनी यहाँ पर ये गाड़ी की जगह है, गाड़ी हमने वहाँ खड़ा, वहाँ से तकरीबन दो किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा, पता नहीं क्या नाम भूल गया मैं, कर्राज टीपू वाटरफॉल, टीपू टीपू टीप। यहाँ भाई 4x4 जिसके पास है वो मज़े से आ सकता है। हाँ साकिर, जब
बहुत मुश्किल रास्ता है, इतने बड़ा मुश्किलों से हम लोग यहाँ 4x4 गाड़ी आ सकता है। इसके अलावा किसी के पास कोस्टर है या सुजुकी है, आईलेक्स वगैरह, ये तो आने की कोशिश ही नहीं करें, मैं साफ बता रहा हूँ। वरना आप लोगों को 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। जब अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, जब खाना बना रहे हैं, वहाँ से हम लोग यहाँ तक 2 किलोमीटर पैदल चल के आए। लोकेशन अच्छा है मगर गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत नहीं है। ऐसे बाय द गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे पॉइंट के लिए सड़कें हमवार करें, ताकि लोग कराची से दूर दराज से यहाँ आके पिकनिक मनाएं। मगर गवर्नमेंट क्या करे बेचारा, गवर्नमेंट तो आपस में लड़ रही है। भाई सफाई सुथरा ही, सफाई का ख्याल रखे सारे। डॉक्टर वैसे जिसका हाँ उठाओ बेटा, चाह वार दो सोमवारी फहीम बेटा, ये रैपर उठाओ।